हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सना व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ सना, आपकी दोस्त। तो आज मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो में कि आप समर्स में अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप किस टाइप के कपड़े पहने, दूसरी चीज़ आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें समर्स में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, और आज मैं आपको बताऊँगी कि फेस रैप किस तरीके से मैं करती हूँ पर्सनली। तो आज मैं आपको फेस रैप के आइडियाज़ बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, और साइड में जो घंटी आएगी, बेल आएगी, उसे भी दबा दीजिएगा। और उसे दबाएंगे तो आपको ऑल का साइन आएगा, तो आपको ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आप मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस टाइप से कपड़े पहनने हैं, लाइक आपको फुल स्लीव्स पहनी हैं, आपको कट स्लीव्स और हाफ स्लीव्स आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं समर्स में सनटेन हो जाता है और आप सनटेन से बचना चाहते हैं, तो हमेशा फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहने। क्या फ़ायदा आप अगर सनस्क्रीन लगा कर भी बाहर चले जाएंगे और आप हाफ स्लीव्स या कट स्लीव्स पहनेंगे। तो उससे बचने के लिए हमेशा हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। और नेक की बात करूँ तो आपको हमेशा इस टाइप के टॉप्स परचेज करने चाहिए, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप हाई नेक भी, अगर आप सूट पहनते हैं तो हाई नेक स्टिच करवाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। तो आप इस टाइप से कपड़े पहने तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी, आप सन ग्लासेस हमेशा अपने साथ लेकर चले, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप होती है। दिल्ली की मैं बात करूँ तो 41 डिग्री 42 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल मतलब आपको जब सुबह होती है तो 35 से स्टार्ट होता है टेम्परेचर, और बढ़ता बढ़ता 41, 42, 43, 44, 45 तक चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि फेस रैप आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, आपको कभी भी ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपको गर्मी लगती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लाइट कलर्स की तरफ जाना है। लाइट कलर्स इन द सेंस वाइट पहनिए, रेड पहनिए, रेड भी पहन सकते हैं बट हल्का लाइट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहना है। फ्लोरल प्रिंट के होना चाहिए जो समर्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैशनेबल लगते हैं। आप इस टाइप के कलर्स ले सकते हैं, येलो है, बहुत ब्राइट कलर है, लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है। आप इस टाइप के कपड़े पहने जो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर आप फ्लोवर प्रिंट की ड्रेसेस पहनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये है प्योर कॉटन का मेरा एक सूट का दुपट्टा है, मैं उसी से आपको फेस रैप करके दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे ओढ़ लेना है, और आपको क्या करना है, एक साइड 1/3 छोड़ना है और बाकी का दुपट्टा आपको दूसरे साइड पर छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको अपने सर पर ओढ़ लेना है, इसको दोनों तरफ से कानों के पीछे कर लेना है। जो बड़ी वाली साइड है जिस पर आपको ज़्यादा छोड़ा है उसे उठाना है और अपने फेस पर इस तरीके से ओढ़ते हुए पीछे एक नॉट लगा लेनी है, और आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको डबल नॉट लगानी है। तो देखिए, जो वन साइड बचा है उसको आप इस तरीके से पीछे ओढ़ लेंगे तो ये देखिए कम्प्लीटली आपकी बैक एंड फ्रंट कवर हो जाएगी। और इस स्टाइल को हम कंप्लीट करेंगे अपने गॉगल्स के साथ। तो ये देखिए बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो कैसा लगा ये वाला स्टाइल, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब करते हैं सेकंड फेस रैप। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको दुपट्टे को इस तरीके से अपने सर पर ओढ़ना है। एंड गाइस, वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरीके से ओढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ 1/3 ही छोड़ना है, बाकी दुपट्टा आपको दूसरे साइड पर लेना है। इस तरीके से आपको अपने एक बार ओढ़ने के बाद अपने सर पर से इसको इस तरीके से लाना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर लाने के बाद आप अपने कान के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर इसको टक कर लेंगे, जिससे कि ये हिलेगा नहीं, और आपको ये टाइटली टक करना है। तो जो बाकी पार्ट बचा है वहाँ से हम आप इसको उठाएंगे और इस तरीके से अपने नाक के ऊपर ओढ़ते हुए, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, और पीछे हम इसके डबल नॉट लगा लेंगे, जिससे कि ये सिक्योर रहेगा। और बहुत इजी है, आप जब भी इसको बना लेंगे एक मिनट में नहीं लगेगा आपको, सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ये रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा एफर्ट्स डालने की आपको इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए गाइस, मेरा जो सेकंड फेस रैप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
और ये जो 1/3 बचता है आप इसको पूरे पीछे से कवर कर सकते हैं। तो इस स्टाइल को कैरी करने के बाद आपका जो लुक है वो कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में हम लगाएंगे अब गॉगल्स। आप यहाँ चाहे तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, बट मैं आपको सेफ्टी पिन लगाने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वो सेफ नहीं रहता है। अगर बाई चांस खुल जाए तो आपको चुभ सकती है। तो देखिए इस तरीके से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो बस हम लास्ट में लगाएंगे अब गॉगल्स, जो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरा फेस रैप रेडी है। ये स्टाइल आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड फेस रैप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको दोनों साइड इक्वली छोड़कर इस तरीके से ओढ़ने के बाद पीछे एक नॉट लगा लेंगे। दोनों साइड इक्वल है मेरी इसमें, तो देखिए दोनों साइड इक्वल हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वन साइड उठाना है और इस तरीके से आपको पीछे एक नॉट लगा लेनी है। ये वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आप इसे कैरी करेंगे तो बहुत स्टाइलिश लुक लगता है। और इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट को उठाते हुए अपनी पट्टी को इस तरीके से मोड़ लेंगे हम, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या करना है आपको, सिर्फ पीछे एक नॉट लगा लेनी है। एक मतलब कहने का मतलब है कि आपको डबल नॉट लगानी है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। माय फेवरेट इज़ थर्ड वन। तो देखिए गॉगल्स लगाने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट सेकंड और। तो गाइस वीडियो हो गई है समाप्त, खत्म हो चुकी है। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो। एंड मुझे ये दुपट्टा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो ये जो इसकी प्रिंटिंग है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि लाइट पिंक कलर का दुपट्टा है, डार्क पिंक कलर से प्रिंटिंग की गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसकी जो लाइनिंग है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइनिंग मतलब ये पट्टी टाइप जो है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। एंड गाइज अगर इसी टाइप की वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं। एंड कोई और रिक्वेस्ट है हेयर ऑयलिंग से लेकर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, या कोई ब्यूटी टिप्स को लेकर, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी आपको लोगों के लिए वीडियोज़ लाने की, नए टाइप्स की। एंड मेरे चैनल पे आपको बहुत टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। एंड व्लॉग्स तो मैं बनाती ही रहती हूँ। तो बाय बाय गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।